हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। और गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, मैंने बना दी है कढ़ी और चावल गर्मा गर्म। के पापा ने खा लिए हैं और वो जाएंगे अब ड्यूटी पर। और देव अभी सो रहा है, इसको उठाएंगे हम 7:45 बजे। 7 बजने में जब 15 मिनट रह जाएंगे तब उठाऊंगी मैं इसको, क्योंकि इसकी बस आएगी 7:30 बजे। तो सोने देते हैं लड़के को और ये चलती हैं। ये लीजिए अपना फोन। थैंक यू। नमस्कार साथियों। हेलो गाइस, चलिए आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ाते हैं। और मच्छरों ने मचाया हुआ है घमासान युद्ध। देखिए गाइस, इतने सारे मच्छर हैं कैमरे मारे, मुश्किल आएगी। ये चलो यार, तो बहुत मच्छर हो रहे हैं। और हम रोज नीम का धुआं करते हैं, नीम के पत्तों का। ये देखिए गाइस कितने मच्छर। और नीम के धुएं से ये कूलर में से पानी कहाँ से निकलता है? रोज मैं ठीक करूँ, रोज फिर ऐसी हो जाए, भर गया। और देखिएगा इस सुबह सुबह छोटे छोटे पक्षी दाना खाते हुए, और मुझे सुबह सुबह पक्षी बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हमारे घर में ये आते हैं मुझे बड़ा ही आनंद आता है। देख लो, चेक करो, चाबी लाऊं? चाबी तो वो भी लग जाएगी स्कूटी की, है ना। चलिए ओके बाय। और ये आ गई है हमारी चटोरी कुटिया। और ये सभी जीव जंतु हमें बहुत ही अच्छे लगते। आ जा, नहीं क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? रोटी ला के दूंगी मैं उसे। चलो भाई, कटारा हो ये होगी, है ना, कटारा सी होती है। और भाई अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि मुझे हो रखा है जुखाम। रात को तो बहुत ज्यादा जुखाम था, पर अब थोड़ा सा फर्क है। और रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मैं एक रोटी खा लेती हूँ चाय के साथ। तो चलिए गाइस, बनाती हूँ चाय अपनी गर्मा गर्म, और आप भी आ जाइए जिसको भी चाय पीनी है। Later that same evening. ये आ गया है चिन्नू स्कूल से, और बैग अपना रास्ते में ही फेंक आया था। हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, अच्छा करो, गुड मॉर्निंग खड़ा होकर करो। और आज क्या पढ़ के आया था चिन्नू? हैं भाई, क्या पढ़ा था नोनू? पीछे पेट नमस्ते करा छोड़ गए। तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। हैं भाई, नोनू पानी पियोगे? पानी पिएगा, पानी लेके जा रहा, लेके जा रहा। आज के लेके गया था टिप्पण में, बता देना मुझे। पहले बताओ माँ को, बता दे क्या लेके गया था आज? अंगूर लेके गया, वो भी बता दे। परोठा भी लेके गया था, परोठा भी लेके गया था ना। सही बोले कर। और इतनी जल्दी कैसे आया? टियोगी थी, इसे छोड़ जा रहा उल्टा लेगा। हैं भाई, और भाई तिलकू, अरे तिलकू जो मैं संग दे ना, ये धोरा था तन्ने जाने ना, तो राम राम करता था। नमस्ते करे करे ना के नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हां खड़ा हो, गुड मॉर्निंग। अच्छा बोलो गुड मॉर्निंग मां जी। ये देखिए भाई, आज आया है काटू श्याम का प्रसाद। काटू श्याम का प्रसाद है ये, और नवीन लाया है सबके लिए एक एक डब्बी अगरवाल स्वीट। जा, और अब मैं बनाऊंगी चाय। दूधी थाली पी जाओ ना एक। जा। तो पकड़। ये देखिए बच्चे खेलते हुए, छोटे छोटे बच्चे। ओए रीटा रहा भाई, तेरा तो फोन ही आ रही है। जानो जी सब करवा के मम्मी पे। तो गाइस, नवीन ने लगाई थी सवामणि काटू श्याम पर, तो ये प्रसाद लेकर आए थे वहां से, और सभी के लिए एक एक डब्बा लेकर आया था। और हम लगा देते हैं सबसे पहले अपने लड्डू को, भोग लड्डू का। तो ये लीजिए लड्डू जी, खा लीजिए लड्डू, और आ जाइए गाइस आप भी खाइए काटू श्याम का प्रसाद, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए गाइस, हमने बना ली है चाय, और चाय बनी है 5-6 जनों के लिए। तो एक मेरी जेठानी आई हुई है वो पियेंगी, एक मैं, और एक मेरा लड्डू, और 3 जने गौरव है उनकी बना दी है। तो सुबह शाम तो चाय जरूरी चाहिए, बच्चे तो पीते नहीं है, सुबह मैं ही पीती हूँ क्योंकि सर में हो जाता है दर्द अगर मैं चाय नहीं पीऊँ। 5 hours later. और गाइस, आज मेरे जुखाम में थोड़ा सा आराम है, पर गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये भी हो जाएगा ठीक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये देखो भाई, हमारा चिन्नू बेटा आ गया है, और ये खा रहा है। क्या खा रहे हो बेटा? लड्डू। किसने दिया लड्डू? कैसा लग रहा है लड्डू? और आज स्कूल में क्या पढ़ाया था बेटा? ABCD. कौन आया है बाहर? देखो बाबू, बाहर देखो कौन आया। कहाँ? हाँ, कहाँ? बाहर चलाओ।
खोल दे कुंजी, खोल खोल दे। लगान लग रहा है कुंडी, हटिए। तो ये आ गया है गौरव लेके नमकीन पापा जी। घना पास आ जाए, वो नहीं करनी पड़ती ना। क्या है बेटा ये? आए हाय, अब अच्छी चीज दिख गया। अब नहीं खाएगा आप इसको, दिख के नमकीन। अब ये ले प्रसाद, खाया था। कैसी है बेटा? यह है नींबू मसाला नमकीन। और इधर देखो कढ़ाई कर रहा है। गाइस मैंने लगा रखी है मशीन, मैंने धो दी है कपड़े, मेरे की छुट्टी हो जाएगी कपड़े धोने की। अब धो दिए मैंने सारे। बाबू बंदू खा रहा है सिन्नू, उल्टी भी आ गई थी। ये देखिए गाइस बच्चों के पापा एक चश्मा सर पे लगा कर भूल गए हैं और दूसरा लगा लिया। ओह माय गॉड, तो देखिए इनकी अकल कहाँ से चली यार। दूसरा चश्मा मेरा भी लगा देते हैं। विजय दे नमकीन चुन्नू, नमकीन कैसी है? नमकीन कैसी है? स्कूल जान लगा मेरे बेटे पैर के ड्रेस। तो बोल रहे हो? हाँ, क्या पटकाते पूछो? अरे माँ का मुझसे फंस गए, ये देख, ये देखे निशा पकड़वा ली घर जाके अंकी से। हाँ, नीचे साइड ली है। और भाई देखो गौरव, इसने अब देख इसका काम चेक कर ले। इसका भी कर लिया कर बेटा, कोई बात नहीं, ट्यूशन जाता है। एक बार चेक कर इसका क्या क्या कर रहा है। और तो तूने कहा था। तो ये देखिए गाइस, खेत की ताजा ऑर्गेनिक सब्जी, भिंडी है, हरी मिर्च है और चप्पल कद्दू है। तो हमने इनको धोकर टोकरी में रख दिया है। और शाम का हो रहा है टाइम, तो मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए चाय। और देव गया हुआ है ट्यूशन पे, वो आने ही वाला है बस। फिर जाएंगे हम गनोर मंडी लेने के लिए अपनी दवाई, क्योंकि 5 दिन की शुगर की उसने दवाई दी थी डॉक्टर ने। तो 5 दिन आज पूरे हो चुके हैं और दवाई हो चुकी है हमारी खत्म। तो पहले मैं करूंगी डॉक्टर से बात, क्योंकि अब हो चुकी है शाम, शायद डॉक्टर मिले या ना मिले, फोन करके पूछूंगी फिर जाऊंगी। तो भाई हमने बना ली है चाय और लड्डू को पिला देंगे हम चाय। ये लीजिए लड्डू जी, पी लीजिए चाय। The following day, गाइस थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूंगी, क्योंकि मेरे जुखाम बहुत तकड़ा हो रखा है। क्या करूं, ये जुखाम ठीक नहीं होता। ये जो खेतों में तूड़ा उड़ के आता है ना घरों में, ये नाक में घुस जाता सीधा, और उससे फिर जुखाम बनकर छींक ही छींक आती है। ओहो बुरा हाल हो जाता है, क्या करें। इससे हमें बहुत एलर्जी होती है। जब कभी बारिश आएगी तब ये धूल मिट्टी दबेगी, वरना ऐसे ही मुझे जुखाम और बुखार हो ही जाएगा। तो गाइज हमने डॉक्टर के पास करा था फोन, तो वो बोले हैं मैं 6 बजे तक ही बैठता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो 6 बजने में है 10 मिनट, और देव अब आया है ट्यूशन से, तो जब तक हम पहुँचेंगे 6 से भी ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है जाने का। तो मैं कल लेकर आऊंगी दवाई, आज नहीं जा, कल देव स्कूल से आएगा तभी लेकर चली जाऊंगी इसको। और अब मैं चलती हूँ अपनी जेठानी के घर देने के लिए ये कुछ चप्पल कद्दू जो खेत से आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे घर में खाते नहीं है। ये गाइस चलते हैं। ये देखिए बहन को डांटते हुए बड़ी बहन। हम तो कितनी देर से खड़े हैं तेरी बाट में। खीरे दे दे और टमाटर दे दे बेबे, इनका खेत है यहाँ पर। तो वही हमने ले ली है टमाटर और तोरी, खेत की ऑर्गेनिक और ताजा सब्जियाँ। अच्छा पुदीना भी बो रखा है। अच्छा धनिया बोलो। हाँ धनिया बो, बताऊं कि महंगा बिकेगा। तो गंठे सही हो रहे तेरे तोड़न जो पानी। सुने धनिया ने नू खिंडाइयो मत ना, नू चुभा के बोइयो, चुभा चुभा के दे नू चोटी भर। हाँ डोली भी तो डोली बना लो, पतली पतली डोली बना के, और देखो नू चुभो चुभो के नू चोटी भरी, ऐसे अड़ंगना जम मैं फिर उनमें नहीं बनेगा सही। हाँ साबती कर दे, नहीं भरी चोटी। अरे ना देखे देखे नू 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 करके चुकटी अनु डोलियो पे चुभा दी, ऐसे सुतरे गुच्छी की गुच्छी वो होगी, और जो नू खिंडा के बोवे ना उनमें तो ना वो हो जाए अड़ंगा। हाँ ये कर। Later that same evening, तो भाई मच्छरों ने करा है बुरा हाल, और इतने मच्छर हो रहे हैं की बार, तो इतने मच्छर हो रहे हैं कि अगर हम नीम के पत्तों का धुआं ना करें तो रात भर सोने नहीं देती। तो देखिए गाइस हम डेली एक दिन छोड़कर एक दिन बीच में एक दिन मच्छरों का धुआं करती हूँ। ये बट्टा ये पोछा जल जाएगा, हटाना इसने ना। और नीम के पत्तों का धुआं करते हैं, इससे मच्छर भाग जाते हैं सारे, और रात में फिर हम आराम से सो जाते हैं।
और अगर धुआं ना करें तो हमें नींद नहीं आती, पूरी रात मच्छर खाते हैं। तो आज फिर से कर दिया है देव ने धुआं, इस कमरे में और रख दे, आराम से पर्दों से दूर रखियो बेटा। अरे हाय, और इतना कड़वा धुआं है ये, नीचे रख दे उड़ेगा। अरे नीचे रख दे, देख उड़ेगा ये, छात्रों पे आ जाएगा उड़के। ये लड़का किसी दिन पर्दों को तहस नहस करेगा, इस तक दिख गया मुझे। देख 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 देख, देख। ओ, ओ, ओ। अब क्या करा, इतना आप धुआं होएगा इससे, देखिए ऐसे थोड़ी धुआं होता है। धुआं होता है अंगारियों के ऊपर नीम के पत्ते डाल दो, आग लगने से थोड़ी धुआं होएगा। चलिए भाई, और गाइस मैं बना लेती हूँ तोरी की सब्जी, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने छोले की सब्जी और वो देवू ने खा ली है, एक कटोरी बची हुई थी। अब मैं बनाऊंगी छोले की सब्जी, बच्चे तो तोरी खाएंगे नहीं, देवू तो फिर भी तोरी खा लेता है थोड़ी बहुत, और गोरे तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएगा। देखते हैं वो किस चीज से रोटी खाएगा। चलिए गाइस रख देती हूँ मैं, और सब्जी की कर लेती हूँ तैयारी।